नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताजा अपडेट पहुंचे आपके पास। मेरा नाम सुरेश चंद। क्या बच्ची के बच्ची को पढ़ती है? मेरी बच्ची पढ़ती है स्कूल में, विद्यालय में, और बच्ची ने शिकायत की है कि माँ साहब जो है कुछ गलत सलत भाषा बोलते हैं। अच्छा, बच्ची कौन सी क्लास में? कक्षा 6 में। अच्छा, तुमने तब यहाँ स्कूल आया शिकायत करने के लिए? हाँ, स्कूल में ना मैंने तो नहीं करा, मैंने कहा तुम्ही को डांटते हैं और भी बच्चियों को डांटते हैं, बोले वो सबसे ही गलत बोलते हैं। तो मैंने कहा हम अकेले क्यों? जैसे गलत क्या भाषा बोलते हैं? अब वो बच्चे बता रहे हैं कि गलत भाषा बोलते हैं, कि मादर चोत ये वो ऐसा बोलते हैं और गलत जगह पर हाथ मारते हैं, बता रहे थे बच्चे। अब मैं तो यहाँ पर नहीं है, मैं तो अब आया हूँ। अब प्रधान जी ने बोला और बच्चे भी बोले कि मीडिया वाले आ रहे हैं और शिकायत की जाएगी, तो हमने कहा चलो भाई हम भी आ जाएंगे। क्या नाम तुम्हारा? गुड्डी। क्या करते हो यहाँ पे? खाना बनाते हैं। गांव कौन सा है? परोथी। अच्छा, जो कह रहे हैं क्या मैं तुम्हारे गुरु जी सबको शिकायत कर रहे हैं, गुरु जी क्या नाम उनका? जगदीश। तो क्या आपसे क्या व्यवहार करते हैं? यार हमसे यह व्यवहार करते हैं कि तू शुद्ध खाना बनावा, कि तू बच्चों को प्रेम से खिलावो, मगर उसमें गिरा रोजे लगाने हैं इन्हें। क्या लगाते हैं? जैसे जे लगाते हैं पतरी, सब ये कि ये है कि वो है कि जो है, ऐसे ही लगाते रहे कि पहुँचा है वहाँ में, पूरे बरंडा में पहुँचा। हाँ, रोज पोछा लगा, रोज पोछा लगा वो पूरे बरंडा में। अब आप ठंडे में तो लगा पाएंगे ठंड सभी को है। आ तो मेरा एक बच्चा, मैं विधवा हूँ, इतना कौड़ा बच रहे, आ तो अपने मैं नहीं खाऊंगा, अपने बच्चे को ले जाऊँ, तो जो लोग मीना करते हैं। क्या कहते हैं? जो कहते हैं खाना आप खाओ कि घर पर मत ले जाओ। मतलब खाना बच जाए तो कौन खाए? गुरुजी खाओ, कौन खाएगा? अब मुझे क्या पता उन लोगों से, बुझो ये मैं तो घर पर नहीं खा पाऊंगी, अपने बच्चा या बच्चा मेरा मुंह लाग, ये सब लोगों को पता है। मतलब खाना अगर बचा हुआ ले जाओ उसमें आप जैसा उठाते हैं मैच? हाँ, और कोई ना उठाते हैं, जो जगदीश सर ज्यादा उठाते हैं। प्रधान जी आपका पहला नाम चाहिए? जी मैं श्याम सिंह, ग्राम पंचायत परोथी, ग्राम प्रधान हूँ मौजूदा इस वक्त। और जब जी बताइए आप यहाँ जो स्कूल में पूरे पब्लिसिटी आई है जी, तो क्या मामला है? तो ये मामला मुझे 11 को पता चला, 11 तारीख के लिए। फिर मैं इनके जो बच्चे पढ़ रहे हैं विद्यालय में, क्या मामला हकीकत में? ये मामला हकीकत में जब ये आया था कि बच्चों को जो लड़कियां हैं उनके लिए गलत सलत पढ़ाया जा रहा है। और क्या कहते हैं उनके की है लमसम में? हाँ, कौन सी क्लास की हैं? 6 क्लास की हैं और का नाम कक्षा 8 की हैं। ठीक। जब इन बच्चों के माँ बाप ने शिकायत करी, मैं 12 तारीख को विद्यालय आया। जब मैंने उन्हें समझाने के बाद मुझे भावुक हो गए, बोले जो कुछ कर मिला है, जहाँ शिकायत करना है डीएम एसडीएम जो भी मर्जी हो वो कर लो। किसने कहा था? ये ग्रीस ने। अच्छा, फिर जो हाथ बच्चों के किसे हाथ मारते हैं? फिर लड़कियां, मैं लड़कियों से मैंने पूछताछ करी तो मेरे सामने सीना हाथ मारते हैं, पिछले नोटबुक होता है वो पिछले चूतड़ों पर मेरे नोटबुक जो भी किताब होती वो मारते हैं। तो ये शिकायतें इस तरह की, कई तरीके की शिकायत मुझे परोथी से मिली। मैंने फिर समझाने की कोशिश नहीं करी, लेकिन उन्होंने मुझे एक जवाब दिया था, बोले जाओ जो कुछ करना वो कर लेंगे। अच्छा बच्चों, जब तक गुरु जी ने बस्तर फेंका था, रखा था मतलब वो गलत आरोप लगा रहा है? अच्छा ठीक, स्टॉप करो। प्रियंका। कौन सी क्लास पढ़ती हो? छठे। अच्छा, जो गुरु जी ग्रीस लोग कह रहे हैं, क्या मामला है, कैसे है पढ़ाने में, क्या करते हैं बच्चे? सर जी वो गलत संत बात बताता है। अच्छा, मतलब क्लास में तुम्हारी किताबों के मतलब कुछ लिखा हो वो पढ़ाते हैं, ये अंत भारतीय में बाहर वाली बात बोलते हैं? अंत पढ़ाते हैं, मतलब अंत भाषा बोलते हैं, किताब जो नहीं है गलत बताते हैं। तुम्हें बेटा पढ़ाते हैं? तो शिकायत तुमने अपने माँ बाप से की थी, फिर उसके बाद गुरुजी ने क्या कहा तुमसे? कह रहे थे अगर आपने माँ बाप से शिकायत करोगे तो नाम काट देंगे, ये धमकी दे रहे थे। और तुमने भी कहा था? हाँ, तुमसे भी ये कहा था? आते हैं, हम भी अपना काम करते हैं, वो भी अपना काम करके चले जाते हैं। बता रहे स्टाफ वाले की स्टाफ से मतलब ज्यादा दुर्व्यवहार करते, ज्यादा प्रेम से नहीं बोल पाते हैं। कभी कभी तो उनको मतलब क्रोध आ जाता है और वो हम लोगों से भी बोल देते हैं कुछ ना कुछ। क्यों आता है? आप मानो यहाँ टीचर है, विद्यालय है, विद्यालय पढ़ाई के लिए है, और जब बच्चे अगर क्रोध आप पे आएगा, आप बच्चों पे क्रोध करेंगे, आप नहीं हम वो कर रहे हैं। अब जैसे आपसे लड़ाई और बच्चों साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो कितनी बुरी बात है, नहीं?
हंगामा टाइम्स और आयत कश्यप, जहाँ पे कहते हैं शिक्षा का मंदिर। योगी सरकार, मोदी सरकार शिक्षा बहुत ध्यान देती है, पर मैं आज पर्वती नवाबगंज तहसील में खड़ा हूँ। यहाँ अभिभावक खड़े हैं, इनकी शिकायत है यहाँ के मास्टर लोग, एक कोई गुरुजी हैं जो बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं भ्रष्टाचारी के। अब क्या क्या भैया, आपका क्या नाम है? प्रेम पाल। अच्छा, क्या शिकायत बच्चों की आपकी? शिकायत ये है कि मतलब जो इन्होंने पढ़ाया था वो गंदा संदा पढ़ाया था। और कौन गुरुजी है, क्या नाम है? गिरीश। गिरीश, वो इस टाइम है नहीं? इस टाइम नहीं। उन्होंने बच्चों ने तुम्हारे घर जाकर क्या शिकायत बताई, क्या मतलब यहाँ पे पढ़ाते हैं मास्टर? उन्होंने ये कहा था कि मतलब जो है अपनी मम्मी से कि वो गलत सलत पढ़ाते हैं, गंदा संदा, और मतलब जो है और गलत जगह पे हाथ देते हैं, और मतलब जो है मारते भी बहुत गलत जगह पे हैं, जो बच्चे डर के मारे नहीं आते हैं स्कूल। अच्छा, आपकी बच्ची? हाँ, हमारी भी। क्या नाम बच्ची का? बच्ची का नाम है रोशनी। कौन सी क्लास पढ़ती है? ये छठे में पढ़ती है। तो जैसे जे बोल रहे ये भी आपके बच्चों साथ? हाँ, यही व्यवहार होता है हमारे बच्चे के साथ, ये भी व्यवहार। वो कहते हैं कि माता पिता से कहोगे तो तुम्हें बहुत मारेंगे, तुम्हें कसम कसम है इस बात की कि माता पिता से कहोगे। यहाँ स्कूल में आए शिकायत करने गुरुजी से? हाँ, मतलब एक दो बार शिकायत। और फिर क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा आप प्रधानमंत्री के ढंग चले जाओ, मुख्यमंत्री के पास चले जाओ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ता। मतलब जैसा पढ़ांग वैसे ही पढ़ांग? हाँ, वैसा ही पढ़ाने के बहुत तरीके होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारा जैसे मतलब अगर चैप्टर कुछ कह रहा है तो ऐसा नहीं है कि साफ साफ समझाएं, क्या मतलब हम बच्चे समझदार हैं, समझ सकते हैं अपने हिसाब से, कि जरूरी नहीं कि हम खुली खुली समझा दें। समझने के तरीके और भी होते हैं, ऐसा नहीं है जो खुली खुली समझा रहे हैं। यहाँ पर कई काफ़ी शिकायत मिलती है। और एक जो है जगदीश सर जी, यहाँ पर थोड़ी देर पहले कुछ देर पहले कह रहे थे कि यहाँ क्या लेने आए, आप क्या लेने आए, और अभी कह रहे थे कि अभी मैं समझाया था फिर आ गया तुम, अभी कह रहे थे यहाँ पर। मेरा नाम है सुधीर सिंह राणा जी। विद्यालय सिर्फ उच्च प्राथमिक विद्यालय परौथी। परौथी जी। तो सर, जो यहाँ विभाग कह रहे हैं उस गुरुजी के मतलब गुरुजी जो है आपके, क्या नाम उनका? उनका नाम है श्री गिरीश चंद्र। तो उनकी हरकत ऐसी है क्या? हाँ, इनकी हरकत है। वो क्या आपके साथ दुरुपयोग करते हैं, क्या करते हैं? मेरे साथ तो दुरुपयोग नहीं करते हैं, लेकिन स्टाफ के साथ करते हैं। हाँ, स्टाफ के साथ। अगर जो शिकायत जो किस टाइम लोग खड़े हैं तो हकीकत में बच्चों के साथ इन्होंने हरकत की गंदी है सी? इन्होंने जन्नांग वाला पार्ट पढ़ाया है जी। वो क्या है इस क्लास में, इस कक्षा में, आठवें में? हाँ, कक्षा आठवें नहीं है, सिक्स क्लास में है वो। सिक्स क्लास में जी जी। अच्छा, सिक्स में है जी जी। तो वो हकीकत में खुली खुली पढ़ाया, किस जगह पढ़ाया? हाँ, उन्होंने खुले ढंग से पढ़ाया जी। नहीं पढ़ाना चाहिए वैसे, नहीं पढ़ाना चाहिए। सर साहब, सर जो गुरुजी के आरोप लगा रहे हैं गांव वाले बच्चे या जो भी हैं, क्या नाम का गुरुजी का? उनका नाम है गिरीश। वो क्या इस तरीके हरकत करते हैं क्या आपके साथ या बच्चों के साथ या अभिभावक साथ, जो बता रहे खुली खुली किताबों या कुछ भी, हाथ चलाना, वो चलाना? ये आप ऐसा कह रहे हैं सर, जो बच्चों ने शिकायत करी है जी उससे पूछेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा ना सर। वैसे स्टाफ के साथ व्यवहार कैसे करते हैं? अभी ऐसा है, थोड़ा स्टाफ के साथ वो थोड़े नाराज तो हैं जी जी। तो नाराजी स्टाफ से तो बच्चों ने शुरू है, तो सरकार तो उनकी पढ़ाई दे रही है, सब कुछ दे रही है। सर जी, सीधी सी बात है जी, उनका पक्ष ले रहे हैं, हम बता रहे हैं। बात तो सुनो यार, बात वो नहीं, बात ये है सर जी, स्टाफ के बारे में बताओ। स्टाफ करो। हाँ, क्या क्या बात? हाँ बताओ सर जी। मैं अभी 4-6 दिन हुए हैं, इनने मेरे लड़के को मारा। किन्ने? इन्हीं ने, जगदीश सर जी ने। जो मारे गुरु जी है ना? मारा था। अरे मारेंगे, उनका हक होता है। मैं जो कह रहा हूँ वो आप सुनो। फिर क्यों मारा? मारा, मारने के बाद में उसका बत्ता फेंक दिया क्लास से। अच्छा, किन्ने? जगदीश सर जी ने। अच्छा, जो है नहीं स्टाफ? हाँ, ना यही है जे खड़े हैं ऊपर, आप पूछ लिए बाद में। फिर बाद में मैं बच्चे गए बुलाने, मैं आया, मैंने लड़का बाहर बैठा हुआ, बत्ता बाहर पड़ा हुआ, मैं उठा के लेके चल दिया। आप कौन ब्रदर के हो? मैं प्रजापत हूँ। अच्छा, प्रजापत। हाँ, तो लड़के से मैंने कही घर चलो, इनने बुलाया मुझे, कही क्या बात हुई? तो मैंने कही आपने जब यहाँ बत्ता फेंक दिया बाहर, फिर बच्चे को भी बाहर कर देते, वो घर चला जाता, यहाँ बैठे से क्या लाभ है, या तो आप कक्षा में रखते उसे। अब जे बोले आए डीएम बनकर जाओ, किस कलेक्टर के पास जाओगे? फिर बाद में इनने मेरे हाथ जोड़ लिए, बोले यहीं की बात यहीं खत्म कर दी। सर जी, क्या आरोप? मेरा लड़का यहीं है, अगर विश्वास करो पूछ लो। मैं कक्षा 6 के बच्चों को बुला रहा हूँ, उस बच्चे को मैंने, वो आया लेट। अरे आप गुरुजी हैं, लेट आप चला सकते हैं। लेट आया सर, मैंने बस्ता नहीं फेंका, एक मिनट, वो बस्ता मैंने नहीं फेंका था, उठा के इसमें से इसमें रखा। मैंने कहा तुम इतनी बदतमीजी कर रहे हो, और मैं ये नहीं एक शब्द कहूँगा, मैं कक्षा 6 के बच्चों को बुला दे रहा हूँ। उस दिन की घटना वो खुद आप पूछ लीजिए। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।